प्रज्वल रेवन्ना केस पर सिद्धारमैया का पहला बयान। किडनैप महिला और रेवन्ना पर क्या बोले सिद्धारमैया। बीजेपी जेडीएस पर लगाए कैसे बड़े आरोप। प्रज्वल रेवन्ना स्कैंडल को दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। इस स्कैंडल ने तो नेताओं पर से जनता का विश्वास उठाने का काम किया है, ऐसा कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि अब इस केस के परत दर परत खुलते जा रहे हैं। अब जब ये सामने आया है कि प्रज्वल रेवन्ना के साथ एक वायरल वीडियो क्लिप में जो महिला दिखी थी वो किडनैप हो गई है, इस केस में एक और खुलासा होने के दावे को कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने भी कर दी है। प्रज्वल रेवन्ना केस में सीएम सिद्धारमैया ने पहली बार अपना बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक के सीएम ने कहा है रेवन्ना के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वो महिला 3 बच्चों की माँ है, उन्हीं में से एक बच्चे ने जो कि 20 साल का है केस दर्ज करवाया है। इसके साथ ही सिद्धारमैया ने बीजेपी और जेडीएस को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीएस ने गलत किया है, क्योंकि दोनों पार्टियों को रेवन्ना के वीडियो के बारे में पता था। रेवन्ना ने दुष्कर्म किया है, इसलिए उस पर दुष्कर्म का केस दर्ज है। इतना ही नहीं, सिद्धारमैया ने कर्नाटक पुलिस को कड़े निर्देश भी दिए हैं। जिस महिला का कथित रूप से अपहरण किया गया है उसका जल्द पता लगाकर उसे सुरक्षित वापस लाया जाए। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिस महिला के किडनैप का केस उसके बेटे ने दर्ज कराया है वो 3 बच्चों की माँ है। इस अपहरण में सतीश बवन्ना का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। साथ ही रेवन्ना के पिता HD रेवन्ना पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। सतीश बवन्ना HD रेवन्ना का खास और JDS विधायक भी है। FIR के आधार पर पुलिस ने बवन्ना को अरेस्ट कर लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। इसी महिला के किडनैप के मामले में सीएम सिद्धारमैया ने पहले महिला का समर्थन किया, फिर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्या कोई भी महिला ये झूठ बोलेगी कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। उन्होंने सवाल भी किया कि क्या शिकायत के बाद उस महिला की जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी। फिर उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कोई विवाहिता ये कहती है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है तो हमें उसकी बात माननी होगी। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने इस मामले में आश्चर्य भी जताया। उन्होंने कहा कि JDS का कहना है कि वो जांच में सहयोग करेंगे, ऐसे में देवेगौड़ा और कुमार स्वामी ने एडवोकेट्स को क्यों बुलाया, उनके साथ इस केस पर गंभीर चर्चा क्यों की। इसके बाद उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रज्वल रेवन्ना चाहे जिस देश में हो हम उसे वहां से ले आएंगे। फिर उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने PM मोदी को लेटर लिखकर उसके पासपोर्ट को रद्द करने का अनुरोध भी किया है। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।